मेरे को नंगा करके पेड़ से लटका के उल्टा पीटा, मेरे लैट्रिन वाली जगह पे पेट्रोल डाला, और मुस्लिम नेम ही काफी है दहशतगर्द साबित करने के लिए। मतलब उन्होंने मजबूर किया मुझे कि मैं आईबी के लिए इन्फॉर्मर और सीक्रेट एजेंट के तौर पे काम करूं। पुलिस किसी को पकड़ के लाती है, मीडिया उसको मोहर लगा देती है। दो अलबदर के दहशतगर्द पकड़े गए, क्योंकि दहशतगर्द साबित करने में पुलिस का रोल 10% होता है, 90% मीडिया का रोल होता है। उन्नीस सौ इक्यानवे में मेरे भाई के हाथों से एक झगड़ा हो गया, उसमें एक आदमी का मर्डर हो गया उनके दोस्त का। उसके सिलसिले में वो 25 सालों से जेल के अंदर है। मैं वहाँ उनसे मिलने जाया करता था, तो वहाँ से पुलिस वालों ने मुझे वॉच करना शुरू किया। किडनैप करके मुझे ले गए मोरिस नगर क्राइम ब्रांच में। वहाँ उन्होंने मुझे 10 दिन तक टॉर्चर करते रहे। मुझे टॉर्चर में मेरे को एक तो नंगा पूरा नंगा करके, फिर लैट्रिन वाली जगह पर, पेशाब वाली जगह पर पेट्रोल डाल देना, सर पे पेशाब कर देना, उल्टा लटका के पानी नाक से चढ़ा देना, ये सब मतलब टॉर्चर उगलवाने के लिए। अब मैं क्या उगलूंगा, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं उगलूंगा क्या। मुझे तो खुद नहीं पता था मुझे उठाया क्यों है। तो वो मुझे टॉर्चर करते रहे कि बता असला कहाँ है, बता बारूद कहाँ है, बता तेरे किस किस से ताल्लुकात है। 10 दिन बाद जब कुछ नहीं निकला, जब कुछ उनके हाथ नहीं आया, धमकी भरे अंदाज में माफी दे करके, माफी मांग करके मुझे वापस छोड़ दिया गया। उसके ठीक 4 महीने बाद क्राइम ब्रांच चाणक्यपुरी, वो मुझे उठा के ले जाता है। सेम वही कहानी दोहराई जाती है। 8 दिन बाद वो भी इसी तरह माफी मांग करके, भाई हमने गलत आदमी उठा लिया, हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली और आपका साथ आपका कुछ नहीं निकला तो हम आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन आप जो है आगे हमारे खिलाफ मत जाना। अब हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम उनके खिलाफ जाते, तो हमारे फादर ने जो भी कंप्लेंट की थी उस वक्त भी वो वापस ली गई। आईबी वाले धोला कुआं से उठाकर ले जाते हैं, तो सीधा सीधा डील। एक दिन टॉर्चर किया, दूसरे दिन उनके बड़े अफसर आए, उन्होंने सीधा बोला डील है भाई हमारी, या तो इनकाउंटर कर देते हैं तेरा, कि तेरे जैसे लोग बहुत मरते हैं दुनिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, और मुस्लिम नेम ही काफी है दहशतगर्द साबित करने के लिए हमें, तो या तो तू हमारे लिए इन्फॉर्मर का काम कर या मर या फिर जेल जा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि आप इतनी बड़ी एजेंसी से उलझ नहीं सकते, आप इतनी बड़ी पुलिस फोर्स से उलझ नहीं सकते। तो बस उन्होंने जैसा कहा वैसा मैंने किया। फिर 2001 से कहानी शुरू होती है, मैं वहां से उनके लिए काम करता रहा, जासूसी करता रहा। वो मुझे काम बताते थे, किसके पीछे लगना है, कहाँ जाना है, किसका पीछा करना है, किस इलाके में रहना है आपने जाकर, किस पर वॉच रखनी है। उस काम के मुझे वो 7,000 महीना तनख्वाह भी देते थे। उस टाइम दो कश्मीरी लड़के के साथ, एक का नाम इम्तियाज था, एक का फयाज था, मुझे जम्मू के रास्ते कश्मीर भेजने की कोशिश की भी, तो मुझे इंटेलिजेंस आर्मी ने पकड़ लिया। फिर जब उनको पता लगा कि आईबी के लोग हैं, आईबी के लोग छुड़ाने गए वहां मुझे स्पेशल गाड़ी से, हाँ कश्मीर जम्मू बैरवाल थाना, आज मुझे थाना भी याद है क्योंकि वहाँ मेरे साथ टॉर्चर काफी हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा भाई रिस्क वाले रास्ते से मत भेजो इसको, इसका पासपोर्ट और वीजा बना के भेजते हैं कि भाई आपको पाकिस्तान जाना है, इन लोगों के बीच में रहना है दहशतगर्दों के, वहाँ ट्रेनिंग करनी है, इनके बीच के राज आपको मालूम करने हैं, और फिर वापस आके हमें बताना है। 2005 में उन्होंने मुझे कुछ इस तरह के काम बताने शुरू किए जो मेरे जमीर को गवारा नहीं हुआ, तो मैंने मना करना शुरू कर दिया कि आप मुस्लिम इलाकों में रहो, वहाँ लड़के देखो जो मजहबी टाइप के हों, उनको तैयार करो पाकिस्तान जाने के लिए, भेजने का रास्ता हम बताएंगे, जब वो वहाँ से वापस आएंगे हम उनको पकड़ लेंगे या मार देंगे, जो भी करेंगे, आपका इनाम आपको मिल जाएगा, बात खत्म। मैंने मना किया, मैंने कहा ये तो इंसानियत से गिरी हुई इंसानियत सोच बात हो जाएगी कि भाई देखो, तो मैंने इस काम के लिए मना किया, तो उनको लगा कि ये तो हमारा राज भी जान चुका है, पर हमारे लिए किसी काम का भी नहीं है, यूज एंड थ्रो है, या जिसको तो यूज़ करने के बाद आप डस्टबिन में फेंक दो, तो तिहाड़ जेल डस्टबिन है, इससे अच्छी जगह फेंकने के लिए और क्या मिलेगी। 2005 में 12 दिसंबर को 4 बजे के आसपास मेरे पास फोन आया कि आप अपनी तनख्वाह तो ले जाओ आकर के यार। उसके बाद 4 बजे एक गाड़ी आती है सफेद रंग की, उसमें 5-6 लोग होते हैं, मुझे बैठने के लिए कहते हैं, मैं बैठ जाता हूँ क्योंकि मेरे अपने लोग हैं वो। जैसे मैं बैठता हूँ मेरे को गन लगा दी, मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मेरे मुंह पर कपड़ा डाला, सीट के नीचे भीड़ में बिठा दिया, सीट पर से उतार के मुझे सीट के नीचे बिठा दिया, और वो गाड़ी 1.5 घंटा चलती रही और मुझे वो किसी खुफिया जगह पर ले गए अपनी। तो टॉर्चर वगैरह किया थोड़ा मेरे को, और फिर बोला आपको 5-7 साल के लिए बुक कर देते हैं, हमने आपको बहुत पाल लिया, बहुत खिला लिया, और थोड़ा चर्बी जो चढ़ी है ना पर वो थोड़ी चर्बी कम कर देते हैं, और जेल में रह करके अगर आपका दिमाग ठिकाने आ जाए, आप हमारे काम हमारे लिए राजी हो जाओ काम करने के लिए, तो हम वापस भी छुड़ा लेंगे आपको। हमारे फादर ढूंढते रहे, बहुत बुरी तरह ढूंढते रहे। अच्छा इनके क्या अल्फाज थे कि एक बंदा आतंकवादी के तौर पर हम दिखाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, एक बंदा और चाहिए,
बकरा, बंदा नहीं बकरा। तो उस बकरे के तौर पर मेरे मुकदमेवार को, जो मेरा मामू का लड़का है, तो उसको 22 दिसंबर को उठाया कश्मीरी गेट से, फिर उसको लाके भी मेरे साथ रख दिया। 9 फरवरी को स्पेशल सेल के लोग आते हैं, आईबी वाले उनके हैंडओवर करते हैं हमें, वो हमें बाईपास ले जाते हैं आंखों में पट्टी बांध के, वहां हमारी पट्टी खोलते हैं, वहां पर लीगल अरेस्टिंग हमारी दिखाते हैं, और असला बारूद और बैग जो हम घर से खाली हाथ गए थे, तो ये पता नहीं बैग कहाँ से आ गया, सामान ये कहाँ से आ गया, ये तो पुलिस ज्यादा बेहतर जवाब दे सकती है इसका। बस वहां पर शोर मचा दिया, क्या अलबदर के दो खूंखार आतंकवादी पकड़ लिए, भीड़ इकट्ठी कर ली, और जो भी कार्रवाई, जो लीगल कार्रवाई होती है 2 महीने बाद गैर कानूनी हिरासत में रखने के बाद, जो लीगल कार्रवाई उन्होंने 2 महीने बाद की, हमारा दिमाग तो सुन हो रखा था कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। जो बैग उन दो लड़कों के साथ पकड़े गए थे वो हमारे सामने खोल दिया, मीडिया के सामने शोर कर दिया, आतंकवादी पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। घर में कमाने वाला मैं 10 लोगों का परिवार में अकेला था, वो बर्बाद हो गए सारे, भूखे मरे। फिर मेरी वाइफ ने लोगों के घरों में जाके काम किया, बर्तन मांजे, क्या क्या किया उसने, कैसे कैसे जिंदगी गुजारी वो मैं 5 साल नहीं बता सकता। कि उसने 2-2 दिन भूखी रहे, बच्चों के स्कूल नहीं गए वो 5-4 साल। मीडिया को बहुत बड़ा जिम्मेदार मानता हूँ। पुलिस किसी को पकड़ के लाती है, मीडिया उसे मोहर लगा देती है। अरे अभी कोर्ट ने प्रूफ नहीं किया, कोर्ट पे इल्जाम साबित नहीं हुआ, कोर्ट ने अभी बात गई नहीं, और आपने पहले ही साबित कर दिया, मोहर लगा दी। अब मुसलमान है तो हर कोई मान भी लेता है, मुसलमान है दहशतगर्द होंगे। उसके बाद हम लोगों को जेल भेज दिया गया। पुलिस वालों को पता था इनकी हैसियत नहीं वकील करने की, उन्हें पता था सरकारी वकील ले लेंगे और चुपचाप सजा खा करके 5-7 साल 10 साल जो भी होगी चुपचाप अपने घर बैठेंगे। लेकिन इस बीच में इंसानी हमदर्दी के नाते एक सुफियान साहब एडवोकेट हैं, उनको जब पता लगा मेरे मामले का, और जो मेरा मुकदमेवार था, मेरे साथ मेरा भाई था, वो थोड़ा अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तो उनके भाइयों ने बहुत मेहनत की, उनके भाइयों ने वकील खड़े किए, उन्होंने हाई कोर्ट में अप्लीकेशन लगाई इस बात के लिए कि इस केस की दोबारा जांच की जाए कि ये झूठा केस है, सीबीआई के हैंडओवर किया जाए। और उस वक्त के जो जज साहब थे उन्होंने माना सबूत देखते हुए कि ये पहली नजर में लगता है कि ये झूठा केस है। मुझे क्लीन चिट मिली, बेगुनाह मुझे साबित किया उन्होंने। मैं बस एक शेर में अपनी बात, शायद मैं पूरी बात कह पाऊं, कि उसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ, मुझे यकीन था मेरा कसूर निकलेगा, जो खो गया है उसे ढूंढना तू ऐ नासिर, यहाँ जो डूबा है जाकर के दूर निकलेगा। मैं कहता हूँ इंसाफ मिला, लेकिन मुझे ये 25% मिला, 100% इंसाफ मैंने इसको नहीं कहूंगा। क्योंकि 100% इंसाफ जब होता, जब उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होती, किसी की पूरी फैमिली पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं और आप अपने ऑफिस में आराम से बैठते हैं, ये इंसाफ नहीं है।